शायद तुम्हें मेरी परफ्यूम की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है मिस सरन। मुझे वो परफ्यूम चाहिए। मैंने बताया है मैं वो आपको नहीं दे सकती। हम लोगों ने डील की थी और अब तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है। जो करना है करो, प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। पेन है ना तुम्हारे पास? तो ये है पेपर जिन पर साइन करने। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, ये ऑफिशियल प्रोसीजर है। ये हमारे एग्रीमेंट को लीगलाइज करेगा और ये बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों में। मिस्टर फैब्री, वेलकम। ओ हेलो मिस्टर चांग, मैं मिस सुनम से बात कर रहा था। जैसे कि आपको बताया कि इस ऑफिस के बाहर हम बात नहीं कर सकते। वो यहाँ एक नया कैंपेन मैनेज कर रही है। आई होप आई एम क्लियर। मुझे वो बताया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मुझे तो हमें कहना होगा क्योंकि अभी हम कहने की आदत कहाँ हुई है। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये क्या है सनम? मिस्टर फैब्री ने कॉन्ट्रैक्ट लाया है। हाँ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक फॉर्मल प्रोसीजर है। अगर मिस सनम साइन करती है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मिस्टर फैब्री, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसे नहीं साइन किया जा सकता। इससे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, सनम अपने लॉयर से बात करेगी, वो चेक करेगी, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जैसा आप कहो मिस्टर जॉन। मुझे लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं। ऑफेंड मत होइए, बस लीगल प्रोसीजर है। समझ गया मिस्टर जॉन। मुझे पता है आप अपने से जो हो सके सनम को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ताज्जुब होता है कि आप इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। इन्हें साइन करने दीजिए, किस्सा खत्म कीजिए। मैं सनम से जुड़ी हर एक चीज में इंटरेस्टेड हूँ। काश ये ही इंटरेस्ट आप पहले दिखाते जब इस कंपनी को बचाने के लिए सनम ने अपना परफ्यूम मुझे बेच दिया था। देखो मिस्टर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता होता ना तो ऐसा कभी नहीं होता। पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते, एग्रीमेंट तैयार है। सच है ना मिस सनम? हाँ जरूर, पर एक शर्त पर सनम आपके लिए अलग परफ्यूम बनाएगी। उसके जैसे कुछ नहीं हो सकता मिस्टर जान, मुझे वही परफ्यूम चाहिए। आई थिंक ये तो नहीं हो पाएगा। मिस्टर जान, मेरा हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट करने का कोई प्लान नहीं है। आप इस मामले में दखल ना दें, प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। मुझे लगता है आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, आपकी भाषा में समझाना पड़ेगा। सनम वो कुछ भी नहीं करेगी जो उसका मन नहीं करता और आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। यही रुकिएगा। मुझे लगता है कि मिस कम्युनिकेशन हो गया है। अभी हम पार्टी कर रहे थे, ये कोई मिस अंडरस्टैंडिंग है ना सनम? हम ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या लाते हैं। ये रहे पैसे परफ्यूम के बदले। जॉन प्लीज ऐसा मत करो, हमें सिर्फ प्री पेमेंट मिली है। प्लीज बीच में मत पड़ो। मिस्टर जॉन ऐसा मत कीजिए, मुझे साइन करने दीजिए। मिस्टर जॉन, यहाँ $4,00,000 लिखे हैं। ये उतने हैं जितना मैंने पे किए हैं। मेरा इतने में डबल चाहिए मुझे। डबल? हाँ डबल चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारी कंपनी ऐसे ही काम करती है, वी वर्क लाइक दिस। सुना ना तुमने? सुना तुमने, ये क्या कह रहा है? अबे तेरी तुम मैं क्या कर रहे हो? डबल चाहिए? सनम, सनम नहीं, सनम एक मिनट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। डबल चाहिए? डबल चाहिए? सुनो सुनो प्लीज, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो जान, हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। ये ले, गरीब रख अपने डबल पैसे, दफा। मिस्टर जान, आपने ये क्या किया? तुम्हारा परफ्यूम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा हक है उस पर।